मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और तब ही उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है और उस वक्त नतालिया की मदर अलीना भी उसके साथ होती है नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है लेकिन रात काफी हो चुकी होती है इसलिए हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते क्योंकि उन लोगों को उस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू हो जाता है नतालिया भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाश हुई है लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है और वो फौरन समझ जाते हैं कि बच्चा अब नॉर्मल है और ऐसा ही होता है कि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है वो लोग काफी पुअर प्रोटेक्टेड लोग होते हैं और फौरन हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं जबकि नर्स उन्हें काफी समझा रही होती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ लेकिन वो उसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं जब वो लोग घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है वो पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता कि इस बच्चे का बाप कौन है फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता फिर वो बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं तब उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से ही चिपक जाता था और देर तक वहीं चिपका रहता था ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफी बेल्ट बनाती हैं ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे और छत को भी वो काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देते हैं ताकि बच्चे को चोट ना लगे क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इसे बाहर अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा तभी वो लोग ऑस्कर के काफी कॉन्शियस होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफी ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर जाने नहीं देती घर रहकर वो मोस्टली टीवी पर सुपरमैन के कार्टून्स देखा करता था और वो खुद भी ये इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर ऑस्कर कई दफा अपनी मदर नतालिया से ये पूछता है कि वो लोग उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते ऑस्कर खिड़की से बाहर कई दफा लोगों को देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे होते और हसरत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को देखता था और आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता था वो ये सोचता था की वो शायद हमेशा के लिए यहाँ कैद में ही रहेगा फिर एक दिन ऑस्कर घर के कैद से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती है और वो काफी गुस्से में आ जाती है ये इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा ना उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं और वो घर पर ही रहकर पढ़े ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे एक न एक दिन इसने बाहर जाना है फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसकी पॉकेट में वो दो पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ में वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकती फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है उस बच्ची का नाम अगाता होता है अगाता का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है और ऑस्कर को दो पानी की बॉटल्स दे देती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम इसे मेरे साथ मेरे घर लेकर जाओगे लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है लेकिन अगाता उसे बहुत इन्जिस्ट करती है तब ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है और अपनी मदर को बगैर बताए वो उस बच्ची के साथ चला जाता है अब ऑस्कर के हाथ में दो भारी बॉटल होती है और उसके पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं जिसकी वजह से वो काफी हैवी महसूस कर रहा होता है वो अपने पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकाल कर फेंक देता है अब एगता के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है फिर एगता अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बॉटल्स मांगती है लेकिन ऑस्कर पानी की बॉटल देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ये पानी की बॉटल उसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा क्योंकि एगता ना समझ होती है और वो ऑस्कर से बोतल छीन लेती है जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल लेती है वो हवा में उड़ जाता है वो जगह चारों तरफ से काफी बंद होती है इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता एगता ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है ये सुनकर एगता फौरन अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो पत्थरों से भरा होता है और उनका आइडिया ये था कि इन पत्थरों को वो अपनी पॉकेट्स में रखेगा जो कि एक अच्छा आइडिया था उनका ये प्लान अच्छा साबित होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है फिर ऑस्कर एगता को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओ और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी काफी परेशान होती हैं वो उसे काफी ढूंढती हैं और वो ये सोच लेती हैं कि वो शायद हवा में उड़ गया है क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखे होते हैं वो उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो एगता ने उसे दिया था घर आ जाता है और अपनी मदर को एगता के बारे में बताता फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बता दिया लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया फिर ऑस्कर और एगता कहीं दिन तक एक दूसरे से मिलते रहते थे फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि एगता उस राज के बारे में जानती है फिर उसी दिन के बाद उसकी मदर उसे एगता से मिलने नहीं देती जबकि एगता काफी दफा ऑस्कर से मिलने उनके घर पर आती थी लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही भेज देती फिर उन लोगों के आस पास के लोग उन्हें मशरूक निगाहों से देखने लगे क्यूँकी उन्हें ऐसा लग रहा था की शायद ऑस्कर की मदर और नानी उसके साथ करती है तभी वो उसे घर से ज्यादा बाहर आने नहीं देती और वो स्कूल भी नहीं जाती फिर इस बारे में वो पुलिस को बता देते अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजे और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है और उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को ले आते हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती उसकी मदर इस सारी बात को समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते काफी साल गुजर चुके होते हैं अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है उसकी मदर काफी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो जाती है और ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो एगता ने उसे दिया होता है वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता था इवन के सोते वक्त भी वो उसे अपने साथ लेकर सोता था लेकिन आज भी उसका लाइफ जीने का वही तरीका घर में रहकर ही वो जिंदगी गुजार और उसकी जिंदगी सीक्रेट पर ही चल रही होती ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे ऑस्कर अब अपनी जिंदगी ऐसी फैडअप हो गया था इस राज को छुपाते हुए वो काफी तंग आ चुका फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो थोड़े थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा जैसे उसका आइडियल मैन सुपरमैन और उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे लेकिन उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं हो क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इस राज का पता चल गया तो वो उसे खो देगी फिर वो अपनी माँ की खातिर सबर कर लेता है लेकिन फिर उसका सबर खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो अपनी मदर को बगैर बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और वो पहली मरबा अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ चला जाता है फिर उसी रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी माँ भी ये वो शो देख लेती है इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है फिर अगले दिन वो एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है उससे मिलता है और असल में वो आदमी कॉन्टेंट एजेंट होता है वो ऑस्कर को कहता है की मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ हम बहुत, बहुत बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वो रह सके और उसे कॉन्टेक्ट पर साइन भी करवाता है क्यूँकी ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था वो दोनों मिलकर बहुत बहुत बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी वो लोग अपने काम में काफी इंजॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपर बनने का वो सुपर हीरो नहीं है बल्कि वो तो एक कटपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते कभी तो लोग उसे फोटो शूट में बुलाते थे और कभी किसी मैजिक शो में फिर आहिस्ता आता उसे ये सब नापसंद ना शुरू हो जाता है हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारे मैगजीन्स छपते हैं और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें उसकी नानी और उसकी मदर को काफी बुरा प्रेजेंट किया जिसे ऑस्कर को काफी बुरा लगा और फिर एक आखिरी शो होता है जिसमे उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है जो उसे बहुत बुरा लगता है वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ उसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था मुझे अब मशहूर नहीं हु और मजीद वो ये काम नहीं करेगा उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते लेकिन ऑस्कर इन सब से तंग आ चुका होता है वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी

मर चुका है या हवा में कहीं पर उड़ गया फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता है और अगले दिन न्यूज पर ये खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम करते ऑस्कर की माँ अब अकेली रहना शुरू हो जाती है और कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछने उनके घर आते जाते थे लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बता और फिर काफी साल गुजर जाते फिर ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था वो एक अलग लाइफ से अपनी जिंदगी गुजार रहा था उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके सीक्रेट का पता ना चले। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा सब लोग उसके साथ काफी अच्छा ट्रीट करते थे और एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड एगिता उससे मिलती वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचानती है जो आज भी ऑस्कर के साथ था जो उसे बचपन में उसने दिया था और उस बैग की वजह से ही वो जमीन पर रहा और उसकी शादी भी नहीं हुई वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं लेकिन एगिता अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि अब एगिता का करेक्टर अच्छा नहीं रहा उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया वो काफी मरतबा कई मेल्स के साथ उसी होटल में आया करती थी जहाँ पे ऑस्कर था जिसे देख ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था ऑस्कर कई दफा अपने दिल की बात एगिता के सामने एक्सपोज करता है लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और उस की बातों को इग्नोर कर देती है इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला एगता के बदलने की वजह ये थी क्योंकि उसने काफी दुखों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते था। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती